वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जिहादियों ने फिर दोबारा कोहराम मचा दिया है। बंगाल की सड़कों को हिंदुओं के खून से लाल कर दिया है। इतनी नफरत, इतनी कट्टरता के बीज उगाने वाला एक मुस्लिम ही निकला और खुलासा हुआ कि यह पूरी घटना एक साजिश के तहत की गई थी। इस साजिश में हद तो तब पार हुई जब इन जाहिलों ने उस पंडित को भी नहीं छोड़ा जिसने इफ्तार पर कभी खाना खिलाया था, मजहबियों का शान से स्वागत किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ नवनीत शर्मा। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का खून बहा है, हिंदुओं के घर जले हैं, दुकानें जली हैं, हिंदू बेटियों की चीत्कार सिसक सिसक कर शांत हो गई और किसी के आंसू तक नहीं निकले। सब ऐसे शांत हो गए, ऐसे के ऐसे शांत हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में हिंदुओं ने तब भी तख्ती थाम ली है और वैश्विक मंच पर इन जिहादियों की पोल खोल दी, इनकी हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और बताया कि जैसे आधा विश्व शांति प्रिय समुदाय बताकर बचाने की कोशिश इन लोगों को करता है, वो शांति का ये लोग शब्द तक नहीं जानते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व में हिंदू गुस्से में हैं, पर अब पूरी दुनिया को ताकत दिखाई जा रही है और सच का आईना भी दिखाया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले के विरोध में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज करीब 150 देशों में बांग्लादेश के खिलाफ सभी इस्कॉन मंदिरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की ओर से बांग्लादेश के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है और हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उससे इस्कॉन से जुड़े दुनिया भर के लोग बेहद दुखी हैं। इसके चलते अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत 150 ऐसे देश है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं और हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पूरे विश्व के सामने चीख चीख कर बोल रही हैं कि देखो देखो कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानव अधिकार की दुहाई देने वाले आप कहां हैं? आतंकियों के समर्थन में मोमबत्ती जलाने वाले आप कहां हैं? विश्व में शांति की अलख जलाने वाले अब कहां हैं? क्या ये सब के सब सो गए, इन सबको नींद आ गई, या फिर सबकी आंखों को सिर्फ एक विशेष रंग ही दिखाई देता है और भावना भी सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लिए इनके आहत होती है। बता दें कि बांग्लादेश में 17 हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है। पिछले कई साल से हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने तोड़फोड़ की, दुर्गा पंडाल में भी तोड़फोड़ की गई, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई, हमले में 6 लोगों की जान तक चली गई, कई श्रद्धालु एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हिंदू इस देश में सुखी है, क्या हिंदू बांग्लादेश में सुखी है? यहाँ हिंदू मंदिर जाता है, बांग्लादेश में तो हिंदू मंदिर जाने से डरता है कि कहीं कोई रास्ते में मुसलमान मिल जाए और उसकी जान से न मार दे उसको। हमले में समस्त हिंदू समुदाय अब तक सदमे में है दोस्तों, इसलिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका के भी, बांग्लादेश के भी, हर जगह। बांग्लादेश तो एक ऐसा देश है जहां पर जिसको भारत ने ही आजाद किया था और अब उसी देश में वही लोग हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। बांग्लादेश में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की फोटो के सामने कैंडल जलाकर और फूल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है उन हिंदुओं को। दुनिया भर में इस्कॉन के 700 मंदिर में प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, फोटो के सामने तो कैंडल जल गए, पर सवाल ये कि इन जिहादियों और लिबरांडुओं के दिमाग की बत्ती कब जलेगी? आखिर कब ये हर घटना को अपने नजरिए से देखना छोड़ देंगे? बता दें कि कोलकाता के इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता राधा रमन दास ने यह बता दिया कि प्रदर्शन टोक्यो से शुरू हुआ है और टोरंटो तक चलेगा। कोलकाता में 12 घंटे तक प्रोटेस्ट होगा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट देखकर भी नेताओं की नींद नहीं खुली, फिर ये सोच लें कि पूरी दुनिया के लिए इनके लिए क्या छवि बनेगी, पूरे दुनिया के दिमाग में इन नेताओं की क्या छवि बनेगी। और अब भी देश के सो कॉल्ड लिबरांडू बोलेंगे कहां प्रताड़ित हो रहा है हिंदू, कहां हिंदू धर्म खतरे में है, कहां सनातन धर्म खतरे में है। अपनी सो कॉल्ड गान इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर ये लोग बांटने लग जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्हीं के हिंदू भाई रोजाना एक एक सांस को तरसते रहते हैं। अब भी वक्त है, जाग जाओ। ये बात बोल सकते हो तो बोलो, चिल्ला सकते हो तो चिल्ला लो, लिख सकते हो तो लिख लो, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।